हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम बात करेंगे अब साइंस और टेक मई 2016 करंट अफेयर्स की। और बात करें पहले, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और अब पढ़ते हैं पहला इशू जो है ड्रोन रिलेटेड इशू। बेसिकली इसमें क्या है दोस्तों कि ड्रोन विदेशों में उड़ाए जाते हैं मज़े के लिए, फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए, ये सब करा जाता है। लेकिन इंडिया में ये नहीं होता है। इसको करने के लिए, आपको मज़े लेने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको परमिशन चाहिए। कुछ गाइडलाइन है और गाइडलाइन हमारा दिया है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ गाइडलाइन दी है कि भैया आपको यदि इंडिया में ऑपरेट करना है, ड्रोन उड़ाना है, तो आपको UIN होना चाहिए, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको परमिट लेना पड़ेगा DGCA से जब आप इसको इंपोर्ट कराएंगे। मैंने भी सोचा था कि फोटोग्राफी के लिए ले लूँ, लेकिन परमिट लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़, यदि कोई कंपनी मंगा रही है उसमें 2/3 मेंबर जो होने चाहिए इंडिया से होने चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़, आपको उसको उड़ाने के लिए एक ट्रेंड पायलट होना चाहिए। अब 200 फीट से ऊपर आप इसको नहीं उड़ा सकते हैं और स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि आप वाटर में और इंटरनेशनल ऑपरेशन इसका नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? रीज़न क्या है? उन्होंने बोला कि सर सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट है कि आप कोई कुछ कर रहा है अपने रूम में, तुमने लगा दिया खिड़की पे अपना, ये लो मेरा ड्रोन, फोटो वोटो लेके अपलोड कर दी। पहली चीज़ तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ कि हमारे शहरों के ऊपर हाई डेंसिटी होती है एयरक्राफ्ट की, तो वहाँ पे कोलिजन हो सकता है। ला उधर जा रहा पायलट, हम भी पायलट, लो लड़ाया कट, मज़ा आ जाएगा। ये दो रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न हमारा ये है कि दो रीज़न थे बेसिकली, सॉरी। इसके बाद क्या यूज़ क्या हो सकता है? जो देखिए, जब भी हमारे यहाँ फ्लड आता रहता है, ड्रॉट आता रहता है, तो फ्लड जब आया तो कितना डैमेज हुआ इसको असेसमेंट कर सकते हैं। पता, किसी प्रॉपर्टी का असेसमेंट हुआ, कैलामिटी आए, नेचुरल कैलामिटी आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो इससे हम मैपिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रिसर्च के लिए काम हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनीज अपने लिए काम कर सकती हैं। और तीसरी चीज़, कमर्शियल और रिक्रिएशन, मज़े लेने के लिए हो सकता है। हमारी तरह लोग होंगे तो बस उड़ा देंगे उसको, जहाँ प्लेन आया उसी से क्रैश कराना है, अब तक तो मैं नहीं करा, आप कराऊंगा। ये तीन चीज़ें। चौथी चीज़ क्या, इशू एंड सजेशन क्या किया है कि भाई देखो, बात ये है कि कोई भी जो हमारे माइक्रो या मिनी UAV है ना, तो माइक्रो की लिमिट 300 मीटर है और जो मिनी है उसकी लिमिट 500 मीटर है, तो फुल यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा इसका। उसके बाद ये मैपिंग नहीं होने पाएगा, जैसे पावर लाइनिंग मैपिंग नहीं कर सकते, कहीं फॉल्ट आ गया तो वहाँ पे पावर लाइनिंग मैपिंग कर सकते हैं, हाईवे, रिवर बेसिन, इनका मैपिंग नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए, इसमें मॉनेटरी फाइन नहीं लगाया गया, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई रूल वायलेट करते हो, तो इनएडुकेट है, तो पैसा आप फाइन नहीं लगा रहे हो, तो लोग कहीं भी थूकेंगे, तो कहीं भी थूकते हैं भाई, उसी तरह कहीं भी उड़ाएंगे, तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। कंक्लूजन ये है कि भाई UAV एयरक्राफ्ट के बाद UAV का जमाना आ रहा है ये, ठीक है, तो इसको हमें बहुत केयरफुली प्रमोट करना चाहिए। केस स्टडी जैसा देख लेते हैं इस पर, तो कर्नाटका पुलिस स्टेशन, जो कर्नाटका पुलिस है इसको यूज़ कर रही है, इवन मुंबई पुलिस भी यूज़ कर रही है। तो पहले जो पुलिस है जो यूज़ कर रही है हमारी UAV को, ओके, ये बेसिकली हमारी यूज़ कर रही है कर्नाटका पुलिस, ठीक है। और इसमें 20 हमारे पुलिस मैन इसको ट्रेंड हुए हैं। और बेसिकली क्यों करा गया, क्योंकि जो कर्नाटका का कोस्ट लाइन है यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, और नाइट में भी इसको रोका जा सकता है क्योंकि उसमें नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। इसके बाद देखो भाई, बात ये है ना कि पहले आपने जय श्री कृष्णा और रामायण तो देखी ही होगी, तो उधर से तीर आती है धाय, और इधर से भी एक तीर जाती है धाय, और दोनों करती है कोलिजन, और दोनों तीर टकरा जाती है। ऐसे ही हथियार बनाए इंडिया ने जिसका नाम है अश्विन, ठीक है। ये बेसिकली इंडिजेनियस इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। 11 टेस्ट हुए, 9 में फाइनल हुआ है, मतलब सक्सेस हुए हैं। अब इसका नाम दिया गया है अश्विन, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, डिफेंस करने के लिए। उधर से पाकिस्तान ने मारा अपना मिसाइल, हम मारेंगे धाय, समझ गए। अब आगे समझ में आएगा क्यों ऐसा करा हमने। अब देखिए, बेसिकली जो अश्विन है लोअर एल्टीट्यूड में यूज हो सकता है, 20 से 40 किलोमीटर तक ये काम कर सकता है। फर्स्ट फेज में ये क्या कर सकता है कि जो हमारा एनिमी की मिसाइल आई इधर से, ब्लास्टिक मिसाइल आई, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी, उससे ही नीचे गिरती हुई आ रही है, और उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है जो हमारी मिसाइल आ रही है, तो ये यहाँ से हम छोड़ेंगे धाम, टकराएगी और एटमॉस्फेयर के बाहर ही खत्म कर देगी उसको। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, सेकंड फेज में क्या है कि 2000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर के अंदर यदि कोई मिसाइल आ रही है, माना धाएँ,
वो भी खत्म, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर के बाहर दोनों काम करेगी, डिफेंस करेगी। ओके, जरूरत क्यों पड़ी, जब देख लेते हैं, अरे टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इसमें सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड गाइडेड सुपरसोनिक मिसाइल लगी हुई है, पहली चीज़ तो। ये कोई भी हॉस्टाइल मिसाइल और उसमें न्यूक्लियर भी होगा तो उसको ख़त्म करने का माता और मुद्दा रखती हैं ये। उसके बाद इसमें नेविगेटर भी लगा हुआ है और डाटा भी इनक्रिप्ट करके जाएगा, कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए। अब ये इंडिया कौन सा पोजीशन है भाई फिर इस मिसाइल में, चौथा पोजीशन है, पहला ट्रंप अंकल के पास है, ठीक है, ट्रंप अंकल के बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद इसराइल के पास है, रसिया के पास है, चौथा जो है इंडिया के पास है। ओके, अब इंडिया को जरूरत क्यों पड़ी, तो हमारा एक पड़ोसी है ना यार, वो पड़ोसी मानता ही नहीं है, मतलब कितना भी मारो मानता ही नहीं है, 47 में मारो, 65 मारो, 71 मारो, 98 मारो, मानता ही नहीं हो पाकिस्तान। तो जब भी हमारा कारगिल वार हुआ था ना, जब कारगिल वार हुआ था तो थ्रेट ये था कि कहीं मुंबई और दिल्ली पर ही मिसाइल न गिरा दें, ब्लास्टिंग मिसाइल, ठीक है, मिसाइल न गिरा दे। तो ये हमारा पहली बात तो हुकूमत की जगह दिल्ली है और हमारा इकोनॉमिक जो हमारा बहुत बूम करता हो मुंबई है, दिक्कत हो जाएगी ये तो। तब उस समय से बनना शुरू हो गया था, तो ये अब जाके बन के तैयार हुआ, दोनों मिसाइल, पहली तो अश्विन और दूसरा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम या प्रद्युम्न। देखिए जो अश्विन मिसाइल है ये 20-40 किलोमीटर तक ही मार करेगी, लेकिन जो हमारा प्रद्युम्न मिसाइल है 50-80 किलोमीटर तक मार करेगी, समझ रहे हैं। तो हमारी लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है प्रद्युम्न मिसाइल है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, उसका नाम प्रद्युम्न ब्लास्टिंग मिसाइल इंटरसेप्टर डिस्ट्रॉइंग मिसाइल एट 50-80 किलोमीटर तक, अब यहाँ देख सकते हैं वो मार कर सकती है हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रद्युम्न मिसाइल में क्या क्या सीन है हमारा। तो देखिए प्रद्युम्न मिसाइल बेसिकली DRDO ने बनाया है, ये एक्सो एटमॉस्फेयर टाइप की एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल है, इंडिया ने बनाया है, प्रोड्यूस हुआ 26 नवंबर 2016 को, इंफॉर्मेशन विकिपीडिया। अब देखिए बेसिकली इसकी ऑपरेशन रेंज ही हमको जानना होता है ज़्यादा, ऑपरेशन रेंज हमारा 80 किलोमीटर है और स्पीड मैच 5 प्लस है। देखिए स्पीड जो मैच 5 प्लस होती है ना दोस्त, तो इस मैच 5 प्लस में क्या होता है, अभी आपको आगे आएगा, ये सुपरसोनिक हो जाती है, हाइपरसोनिक हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली अब उसके साइंटिस्ट DRDO की ये बोल रहे हैं कि भैया बात ये है कि यदि सरकार ने बोला तो एक शॉर्ट नोटिस पे हम दिल्ली और मुंबई पे इसको लगा सकते हैं एंटी ब्लास्टिक मिसाइल, कि पाकिस्तान मारे धाए वहीं खत्म कर देंगे, रामलीला कर देंगे उनकी, ठीक। इसके बाद आते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और स्क्रैमजेट इंजन। तो हाइपरसोनिक जो हमारी टेक्नोलॉजी और स्क्रैमजेट इंजन है, बेसिकली देखिए स्पीड की बात कर लेते हैं, तो पहली स्पीड होती है हमारी सुपरसोनिक स्पीड लिमिट होती है 2.2 मैच। मैच क्या है भाई, मैच जो होता है ना, ये जो होता है ऑब्जेक्ट का रेशियो अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैं 5 गुना स्पीड से जा रहा हूँ साउंड के, तो मेरी क्या हो गई 5 मैच, समझ गया। तो 2.2 तक यदि वो जाती है तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, और 2.2 स्पीड यदि 5 मैच से ऊपर जाती है तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। अब देखिए सुपरसोनिक के लिए हमें वो जेट इंजन और टर्बाइन और रोटेटिंग कंप्रेसर काम नहीं करेगा, वहाँ पे चाहिए रामजेट या स्क्रैमजेट चाहिए उतनी बड़ी स्पीड के लिए। क्योंकि यदि हम देखिए बात ये है कि यदि हमने इस ये कोई ऑब्जेक्ट है इसको उछालना चाहता हूँ ऊपर, ज़्यादा ऊपर तक उछालना चाहता हूँ और ज़्यादा तेज लेके जाना चाहता हूँ, तो इसका वेट होना चाहिए कम, ठीक है, वेट कम होना चाहिए। तो यही स्क्रैमजेट और रामजेट इंजन के बारे में हम जान लेते हैं, यही काम करा गया है। कि देखिए इसमें जो स्क्रैमजेट इंजन होगा ना, तो आप देख सकते हैं कि आप इनलेट बॉडी है, फ्यूल इंजेक्शन है और नोजल है। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन को हम लेंगे, ऑक्सीजन कम्बक्शन करेगा और वहाँ पे हम हाइड्रोजन का फ्यूल रखे रहेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कम्बक्शन करेंगे और इनको कैरिंग करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम लगेगा हमें कैरी करना, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो हमारी कैपेसिटी है इन चीजों की, उस चीज पे हम काम करेंगे, ठीक है। और ये इंजन जो है हमारा काफी लाइट होगा और जेट इंजन चीपर भी होगा, ठीक है, ट्रेवल करने में इजियर होगा, मेन चीज इसकी वेट हमने कम कर दी है इस चीज में। इसके बाद देखिए रेड लाइन कैंपेन है हमारी ऑन एंटीबायोटिक एम। अब देखिए जिसने उंगली दिखाई है भाई साहब ने ना, वो यदि ऐसा कोई साइन बना हो दवाई पे, देखिए मत खरीदें, क्यों, क्योंकि रेड लाइन कैंपेन ये है एंटीबायोटिक पे। इंडिया जो है यहाँ पे इंडिया में पता है हाईएस्ट कंज्यूमर है हमारे एंटीबायोटिक के। अब देखिए एंटीबायोटिक क्या होती है, देखिए बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं और वायरस होते हैं, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हमने बनाया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, जैसे खाते हैं बैक्टीरिया का पेट फाड़ देता है, एक बार खा लिया फाड़ दिया, दो बार खा लिया पेट फाड़ दिया, तीसरी बार खा लिया बैक्टीरिया हमारा सहा ले, मतलब हर बार पेट फाड़ेगा हमारा, फटती नहीं पेट उसकी। तो ये हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है,
ठीक है। तो ये इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग एंटीबायोटिक खाने लगते हैं बिना कोई सलाह लिए, प्रेस्क्रिप्शन लिए। तो यहाँ पे 13 बिलियन यूनिट ऑफ एंटीबायोटिक हमारे यहाँ यूज हो रहा है, और मेडिसिन विद रेड लाइन यदि होगी तो काफी खतरनाक होगी हमारे यहाँ। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा जो इंडेशनल डोज दिया जा रहा है एंटीबायोटिक का, इसको हमें चेक करना है। और यही नहीं, साथ में ये भी है कि ये भी करें कि जो डंपिंग हो रही है एंटी माइक्रोबियल जो हमारी वेस्ट है इन्वायरमेंट में, तो उसको भी चेक किया जाएगा कि उसको सही से डिस्पोज ऑफ करा जा रहा है कि नहीं, कि जाके फिर से फूड चेन में मिल जा रहा है। तो ये हमारी चीज़ देखनी पड़ेगी रेड लाइन कैंपेन से। अब देखिए केपलर 62F है, ये बेसिकली एक हमारा 1200 लाइट ईयर दूर हमारा एक कोई प्लेनेट है जहाँ पे पानी वानी मिलने की संभावना है, और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ CO2 भी है। देखो पानी मिल जाएगा जिंदा रह जाएंगे, अमाउंट ऑफ CO2 रहेगा तो क्या रहेगा कि मान लीजिए गोला है, यहाँ पे थोड़ा CO2 है चारों तरफ। अब चारों तरफ CO2 है तो क्या करता है, ये गर्म रखता है हमारे गोले को, क्या करता है जो भी हीट यहाँ से जाएगी ना, ओके वापस जाएगी, सन से आई वापस जाएगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रात को ठंडा नहीं होने देगा ज़्यादा एटमॉस्फेयर, तो हमारा एटमॉस्फेयर मॉडरेट बना रहता है। तो यही हमारा रीज़न है कि हम यहाँ जिंदा हैं अर्थ पे। तो ये चीज़ है हमारा कि अमाउंट ऑफ CO2 हमारा वार्म रखता है, तो वहाँ पे कुछ मिलने की संभावना है, और वहाँ पे गोल्डी लॉक जोन है जो कि हमारा कंसोलिडेशन लायरा में पाया जाता है, ओके। और ये बेसिकली एक आउटर मोस्ट ऑफ 5 प्लेनेट ऑर्बिटिंग ए स्टार कूलर देन सन। तो ये जो हमारे 5 है ना केपलर 62F में, ये बेसिकली एक हमारा एक वहाँ पे गोला है जो कि हमारे थोड़ा ठंडा है सन से, उसको ऑर्बिट कर रहे हैं। देखिए एक मुखौटा है, आपने कई बार सुना होगा कि जो मछुआरे हैं मछली मारते 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 पहुँच गए हमारे श्रीलंका की बाउंड्री में या तो पाकिस्तान की बाउंड्री में, ये प्रॉब्लम होती है। तो मुखौटा में ये हुआ है कि भैया उनको दे दिया गया GPS दे दिया जाएगा, जैसे ही उनकी बाउंड्री आएगी तो उनको बताने लगे भैया आगे पाकिस्तान, तो लोग पीछे हट जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम, ये एक GPS बेस्ड हमारा नेविगेशन सिस्टम है जिसपे क्या होगा हमारा कि वो बता देगा कि बाउंड्री आ गई, आप लोग वहां ना जाइए नहीं तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है लोहा फेक्स प्रोजेक्ट। आप ये देखेंगे ये बेसिकली इंडिया और जर्मन प्रोजेक्ट है, सदर्न अंटार्कटिक में जो हमारा है वहाँ पे CO2 को सिक्वेस्ट्रेट करना है, मतलब CO2 को एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि CO2 हमारे इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हमारा 70, 50 और 60 के बाद देखें तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कोल और आयरन पे ही ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा है। तो हमारा क्या हो रहा है कि CO2 ज़्यादा बढ़ गया, तो हमको अभी आपको समझाया कि CO2 क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखता है, और ज़्यादा वार्म रख देगा तो बर्फ़ पिघल जाएंगे, सब आइलैंड कंट्री डूब जाएगी, हमको भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो ये दिक्कत आ रही है। तो इसी के लिए ये लोग कर रहे थे रिसर्च, लोहा फेक्स प्रोजेक्ट चल रहा था इंडिया और जर्मन का। तो इंडिया में लोहा का मतलब होता है आयरन, और फेक्स मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि एल्गल हमारी क्या होती है कि जो हमारे एल्गल बूम होती है फाइटोप्लैंकटन आप बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारा ओशन में, बहुत अच्छे से मैंने बताया, ओशन में क्या होता है कि ये एज ए प्राइमरी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, कि सन से अपना टेम्परेचर लेती हैं और एक हरा भरा खाना बनाती हैं, ऑटोट्रोप्स होती हैं, ओके। अब क्या है कि यदि हमने पता एक जगह है हमारा वहाँ पे मैंने कहीं आयरन डाल दिया, मान लीजिए पूरा समुद्र है छोटा सा ही बना रहा हूँ, इतना मान लीजिए इस जगह पे मैंने आयरन की सीडिंग कर दी, मतलब आयरन कुछ ज़्यादा कर दिया, तो वो क्या होता है आयरन से लालच करके एल्गल बूम वहाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं। एल्गल बूम ज़्यादा ग्रो होंगे मतलब कि प्लांट है ज़्यादा ग्रो हो रहे तो CO2 ज़्यादा जाएगा ना भाई, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़्यादा जाएंगे। बट अब ये देखा गया है रिसर्च में कि जो सीडिंग हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एल्गल बूम पे, पहली चीज़ तो ये, और 3 नए बैक्टीरिया वहाँ पे खोजे गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो 3 नए बैक्टीरिया मिले जहाँ पे सीडिंग हुई, 3 नए बैक्टीरिया मिलेंगे, और अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है, जो हमारा आयरन है उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं कि ये तीनों बैक्टीरिया अलग अलग क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक, जब हम करते हैं सीडिंग करते हैं उस जगह पे ओशन की। अब पता है आपको ये जो सीडिंग हुई है, हमारा जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, ये सीडिंग उसके खिलाफ है, लेकिन हाँ CO2 को हमें सिक्वेस्ट्रेट करना तो हमें सीडिंग तो करनी पड़ेगी, रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, ओके। आगे आते हैं सिक्योरिटी में बात करें तो जो पृथ्वी 2 मिसाइल है, ये पृथ्वी 2 मिसाइल हमारा DRDO का प्रोग्राम था, IGMDP इंटीग्रेटेड फर्स्ट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, सरफेस मार करती है। अब देखिए इसके 3 वर्जन बनाए गए, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, इनके पास रेंज पूछी जाती है, तो रेंज आप याद रख लें 150, 250, 350, 3 रेंज होती है, ठीक है। पेलोड 1000, 500, 1000,
ओके। और ये तीनों वर्जन है आर्मी एयरफोर्स और नवल में, इसको दे दिया गया है। ये हमारी पृथ्वी मिसाइल है। अब देखिए जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन बिल 2016, इसमें प्रॉब्लम दोस्त ये हुई है ना कि देखिए मान लीजिए कि ओला हो गया, गूगल हो गया, ये लोग पता है जब टेरिटरी को दिखाते हैं ना इंडिया की, तो जो ये मुंडी है आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की टेरिटरी दिखा देते हैं या डिस्प्यूटेड दिखा देते हैं, आंध्र अरुणाचल प्रदेश की जो टेरिटरी होती है उसको डिस्प्यूटेड दिखा देते हैं। इंडिया गवर्नमेंट लोग अच्छा तुम करोगे, अभी भी आज गूगल मैप खोल के देखिए उस एरिया को डिस्प्यूटेड दिखाते हैं ये लोग, जबकि इंडिया का पार्ट है वो, ठीक है। तो ये कह रहे कि अब यदि आप लोगों ने ओला हो गूगल हो जो भी हो दिखाया आपने यदि इसको, ये दरअसल बिल है 2016 में आया हुआ, अभी तक एक्ट नहीं बना है, ठीक है, पास नहीं हुआ अभी लोकसभा राज्यसभा में, सही करा है कि भाई जब तक आप करेंगे नहीं ना, जब तक ये पूरी टेरिटरी नहीं दिखाएंगे तो तब तक आपको बिल आप काम नहीं कर सकते इंडिया में, परमिशन मैंडेटरी है। और कहाँ से आप परमिशन लेंगे, सिक्योरिटी बेंटिंग अथॉरिटी से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आप डाटा पब्लिश कर रहे हैं इंडिया के मैप से लेकर या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जियो इन्फॉर्मेशन इंडिया का, तो आपको ये मैप इंडिया गवर्नमेंट से सिक्योरिटी बेंटिंग अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। अच्छा, अब सिक्योरिटी बेंटिंग एजेंसी आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी कि जो भी आप डाटा करना चाहते हैं। अब बेसिकली इसका सोल ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, सेफ्टी और अपना इंटीग्रिटी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन इंपैक्ट होगा, अब ओला इंपैक्ट होंगे क्योंकि इनको भी तो लेना पड़ेगा ना भाई, इनको भी तो भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो इससे ओला प्रमोट दिक्कत आएगी, गूगल को दिक्कत आएगी, फेसबुक को दिक्कत आएगी, क्योंकि ये लोग तो जियो स्पेशियल काम करते हैं, दिखाते रहते हैं चीज़ों को, ये इंडिया का मैप है, ये प्रॉब्लम आ रही है, और जब इन्हें नहीं दिखाया 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का फाइन लगेगा, 7 साल तक इंप्रिजनमेंट हो जाएगा। 7 साल की जेल का मतलब कि हीनियस क्राइम, समझ रहे हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई, पाकिस्तान ने बोला अच्छा अब तो मज़ा आ रहा है, हम दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं, वो उससे उठाया था कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप अपने मैप में कैसे दिखा सकते हैं, इंडिया वाला चुब्बे घरेलू मामला है, समझे, दिक्कत ना करो, हम घरेलू घुस गए ना बलूचिस्तान हो जाएगा अलग, चुप रहो। दिक्कत क्या है दोस्तों, अब इससे दिक्कत यह है कि इनोवेशन सिस्टम में दिक्कत आएगी, जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं इनको मैप चाहिए होगा तो ये कैसे दिखा पाएंगे, क्योंकि आपको सब तो पैसा का पैसा तो नहीं है ना, या सिक्योरिटी बेंटिंग एजेंसी से जाकर हम लाइसेंस लें। जो ऐप डेवलपर हैं इनको दिक्कत आएगी, ओके, स्मॉल बिजनेस उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी। अब लार्जर कंपनी के पास पैसा है, ओला के पास पैसा हो तो ले लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे स्टार्टअप वो कैसे लेंगे इस चीज़ों को, ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद INS कलवारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, ये फर्स्ट 6 सबमरीन हमारी टेस्ट हुई हैं, और ये बेसिकली माजेगांव डॉक लिमिटेड जो हमारा विशाखापत्तनम में है वहाँ पे ये हुई है, और ये 1991 में 30 ईयर का सबमरीन प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, 2021 तक ये चलेगा, और इसमें कैबिनेट ने 1991 में बताया था कि हम 24 सबमरीन इंडियन क्लास की स्कॉर्पिन बोल लो उसको आप, स्कॉर्पिन क्लास की हम इसको बनाएंगे, 24 सबमरीन इंडिजिनस बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये रहा हमारा दोस्तों हमारा साइंस और टेक का पोर्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, और यदि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम और खुश होकर पढ़ा सके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।